पार्थो घोष ने साल 1991 में मूवी 100 डेज मूवी से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, लक्ष्मीकांत बेर्डे, मुनमुन सेन और शिवाजी सातम शामिल थे। ये एक हॉरर रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 95 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1992 में इनकी अगली मूवी आई दिल ने इनकार किया। इस मूवी के लीड कास्ट में रवि बहल, रीता भादुरी, सुपर्णा आनंद, शक्ति कपूर और आलोक नाथ शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 85 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 52 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1992 में ही इनकी अगली मूवी आई गीत। इस मूवी के लीड कास्ट में दिव्या भारती, अविनाश वधावन, शक्ति कपूर और लक्ष्मीकांत बेर्डे शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 85 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 55 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में इनकी अगली मूवी आई कोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अरमान कोहली, आयशा जुल्का, प्राण, टीनू आनंद, किरण कुमार और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 90 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 45 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 92 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में ही इनकी अगली मूवी आई दलाल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, राज बब्बर, रवि बहल और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,70,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई तीसरा कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, सौमी अली, चंकी पांडे, सतीश शाह और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। ये एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,15,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,47,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई मेरा दामाद। इस मूवी के लीड कास्ट में फारूक शेख, जरीना वहाब, राकेश बेदी, उत्पल दत्त और अशोक कुमार शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 75 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 15 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 30 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1996 में इनकी अगली मूवी आई अग्नि साक्षी। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, रवि बहल और दिव्या दत्ता शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19,52,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 27,61,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई कौन सच्चा कौन झूठा। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, मोहनीश बहल, सुरेश ओबेराय और गुलशन ग्रोवर शामिल थे।
ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 73 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 27 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1997 में ही इनकी अगली मूवी आई जीवन युद्ध। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, राखी गुलजार, जया प्रदा, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी और मोहन जोशी शामिल थे। ये एक एक्शन फैमिली ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 37 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में ही इनकी अगली मूवी आई गुलाम-ए-मुस्तफा। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, रवीना टंडन, परेश रावल, अरुणा ईरानी, मोहिनीश बहल, शिवाजी सातम और मोहन जोशी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 81 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12 करोड़ 26 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1998 में इनकी अगली मूवी आई युग पुरुष। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अश्वनी भावे और शिवाजी सातम शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ 25 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई खोटे सिक्के। इस मूवी के लीड कास्ट में अतुल अग्निहोत्री, अयूब खान, मधु, अंजलि जठार और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 70 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 34 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2002 में इनकी अगली मूवी आई मसीहा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, नर्मदा शिरोडकर, इंदर कुमार, शिवा रिद्दानी और मोहन जोशी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई सूर्या। इस मूवी के लीड कास्ट में मिलिंद सोमन, नतन्या सिंह, राहुल देव, अमरीश पुरी और किरण कुमार शामिल थे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 20 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 40 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में इनकी अगली मूवी आई सितम। इस मूवी के लीड कास्ट में तारा शर्मा, नवनीत रवि राणा, अवतार गिल, कमाल राशिद खान और सुहासिनी मुले शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 80 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में ही इनकी अगली मूवी आई चेतना। इस मूवी के लीड कास्ट में जतिन ग्रेवाल, नवनीत रवि राणा, किरण कुमार और पायल रोहतंगी शामिल थे। ये एक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 25 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 12 लाख रुपए कमाए
और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 21 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई मिस्टर हॉट मिस्टर कूल। इस मूवी के लीड कास्ट में जुल्फी सईद, समीक्षा ओसवाल, मुश्ताक खान, शाहबाज खान और हेमंत पांडे शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 9,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 19,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2009 में इनकी अगली मूवी आई मेरी लाइफ मैं उसकी वाइफ। इस मूवी के लीड कास्ट में जतिन गिरेवाल, हिना तस्लीम, शक्ति कपूर, मोना लिसा और विकास कलंत्री शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 45,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 92,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई एक सेकंड जो जिंदगी बदल दे। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, निकिता आनंद और अमन वर्मा शामिल थे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 31,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 44,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2018 में इनकी अगली मूवी आई मौसम इकरार के दो पल प्यार के। इस मूवी के लीड कास्ट में अविनाश वधावन, मदालसा शर्मा, मुकेश जय भारती, एहसान खान और हेमंत पांडे शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2019 में इनकी अगली मूवी आई दोस्ती जिंदाबाद। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल चौधरी, समायरा खान, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, अयूब खान और एहसान खान शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2022 में इनकी अगली मूवी आई प्यार में थोड़ा ट्विस्ट। इस मूवी के लीड कास्ट में मुकेश जय भारती, ऋचा मुखर्जी, राजेश शर्मा, गोविंद नामदेव और अतुल श्रीवास्तव शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको पार्थ घोष की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। पार्थ घोष की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।